स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक चलेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल साइंस या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित टॉपिक है और इस टॉपिक में हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते किसे। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो स्टूडेंट यहाँ उपस्थित हैं वो सीरियसली लेके और समझते रहेंगे और जो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स जो है कॉपी के माध्यम से या पेन के माध्यम से लिखते जाएंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसको हम समझेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स जो है उसको हम समझेंगे कि क्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक ऐसा एक महत्वपूर्ण उपखंड है या फिर एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के संबंधों को अध्ययन किया है। और बात आती कि राष्ट्रों के बीच की जो छड़ी अर्थात कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ध्यान से समझिए, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर या उसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे तो राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उसके पारस्परिक संबंधों का या संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को ही आप क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह सकते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान कह सकते हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसको समझो, तो अंतर्राष्ट्रीय कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आपको डेफिनेशन जो समझना है उसको समझेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रों की परस्परिक प्रतिस्पर्धा उनके संबंधों को और उनकी जो संबंध है उनके संबंधों को परस्परिक संबंधों को सुधारने या फिर बिगाड़ने की परिस्थिति को या फिर उन संस्थाओं के अध्ययन को ही आप क्या कह सकते हैं, राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व को समझेंगे सबसे पहले, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व में सबसे पहली चीज है या सबसे पहली है इसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। अर्थात व्यक्ति जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन ही नहीं करेगा तो क्या उनकी समस्याओं का समाधान खोज पाएगा, नहीं खोज पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सबसे पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप उनकी समस्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं को नहीं कर सकते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने हेतु आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जब अध्ययन करेंगे तो आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे और उन सोल्यूशन के आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं उनका हल कर पाएंगे। क्लियर, अब बात आती है कि ऐसी और कितनी समस्याएं आती हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो समस्याएं हैं, दूसरी समस्या जैसे विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित हो, जो विश्व के आधारभूत तत्व हैं उनसे परिचित कैसे हो सकते। तो जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन नहीं करेंगे तो उसके आधारभूत तत्वों से भी परिचित नहीं हो सकते। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसमें भी कई मतलब है कि जैसे आप विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से अगर भलीभांति परिचित होना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसी विषय बहुत सी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिनका अध्ययन करना पड़ता है और उनके अध्ययन से हमें उनके आधारभूत तत्वों की जानकारी मिलती है और उन तत्वों से हम भलीभांति परिचित हो पाते हैं। कहने का मतलब है उन तत्वों से हम परिचित हो जाते हैं तो हमें जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समस्याएं जो आती हैं उनका हम समाधान कर लेते हैं। अब बात आती है कि विश्व
सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना अर्थात विश्व सरकार की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार करने के लिए ही आपको सबसे पहले उसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप जो है विश्व सरकार की पृष्ठभूमि को तैयार कर पाएंगे, अर्थात विश्व सरकार की पृष्ठभूमि को तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पृष्ठभूमि की तैयार विश्वभूमि की पृष्ठभूमि को तैयार करने में या विश्व सरकार की पृष्ठभूमि को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, वो है विश्व नीतियों का अध्ययन करना। अब जब आपको पूरे विश्व की नीतियों का अध्ययन करना समझो जब आपको पूरे विश्व की नीतियों का या कानूनों का या नियमों का अध्ययन करना तो आपको पूरे विश्व की राजनीति से भलीभांति समस्त परिस्थितियों से या विश्व सरकार के आधार तत्वों से सभी से भलीभांति परिचित होना पड़ेगा या फिर उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप विश्व राजनीति विश्व नीतियों का अध्ययन करा सकते हैं कर सकते। ठीक है, तो कब कर पाएंगे, जब आप विश्व या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स का अध्ययन कर रहे हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व नीतियों का अध्ययन कर सकते हैं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट महत्व है तो शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन, शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। ध्यान रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व क्या महत्व है, किस लिए आप पढ़ रहे हैं उसका महत्व पढ़ रहे हैं, तो आप अगर आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो इन सब चीजों से आपको जूझना पड़ेगा, अर्थात कहने का मतलब है सभी समस्याओं से आप समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इनका अगर हल करना है तो आपको सबसे पहले समस्याओं का या फिर विश्व पॉलिटिकल्स को या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही आप इसका क्या कर पाएंगे सॉल्यूशन। क्लियर, अब बात आती है कि शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन, अर्थात जब आप शक्ति संघर्ष का अध्ययन कब कर पाएंगे, जब आप विश्व राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ अध्ययन किया होगा या फिर उससे परिचित होंगे तब आप इसका क्या कर पाएंगे सॉल्यूशन कर पाएंगे या फिर इसका अध्ययन कर पाएंगे। शक्ति संघर्ष का अध्ययन करने के लिए भी विश्व लेवल में आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। क्लियर, हमने आपको बताया ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के बारे में, ठीक है, और अध्ययन का महत्व ध्यान रखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व बताया, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि क्या अध्ययन करना क्यों आवश्यक था वो चीज बताए, अगर हम उसको अध्ययन नहीं करते तो हमें इतने प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता अर्थात भलीभांति परिचित नहीं हो पाते, जैसे आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं तो हमें नहीं मालूम था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, हमने जैसे उसको पढ़ा समझा और समझने में हमने आया कि क्या नाम से इतनी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो समस्याएं हैं उनकी समाधान कैसे किया जा सकता, तो उनका समाधान हमें उसमें निकला निष्कर्ष निकला कि जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम कोई समाधान नहीं निकाल सकते, चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद आप समझेंगे जैसे उन्होंने कहा विश्व शांति का आधार तैयार करना, अर्थात विश्व में जो शांति व्यवस्था है इसका आधार तैयार आप कैसे कर सकते, तो इसका आधार तभी आप तैयार कर सकते जब आपको विश्व के जो शांति व्यवस्था के मुख्य तत्वों से भलीभांति परिचित हो, अगर उन तत्वों से आप परिचित नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते, विश्व शांति में किसी प्रकार का सहयोग नहीं दे सकते, अगर आप उससे भलीभांति परिचित हैं तो आप विश्व शांति व्यवस्था में क्या सहयोग दे सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपने कहा विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना है या विश्व शक्ति का आधार तैयार करना है या फिर विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना है तो इन चीजों के लिए आपको सबसे पहले वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना अनिवार्य है, और आप अध्ययन करेंगे तभी आप इनका समाधान कर पाएंगे अन्यथा आप समाधान नहीं कर पाएंगे, यही आपका इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस का महत्व क्या है, यही आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व है कि अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी भी प्रकार से समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, विश्व में या इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आप कभी शांति व्यवस्था नहीं कर पाएंगे या फिर आप कभी भी आधारभूत तत्वों से परिचित नहीं हो पाएंगे और ना ही आप कभी भी किसी समस्या का अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो समस्या आती है उनका कभी समाधान नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको इन चीज़ों का समाधान करना है तो आपको
किस चीज का अध्ययन करना पड़ेगा? इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर टॉपिक? अभी भी जिसको भी समझ में नहीं आया हो पूछ लेना, क्योंकि जो टॉपिक है वो आपका इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर बात आपको ये समझ में आ रहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहते भी थे, तो वो हम आपको दोबारा से डेफिनेशन बता दे रहे हैं। वो डेफिनेशन हम फिर बता दे रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। क्या है? एक उपखंड, एक शाखा, जिसके माध्यम से आप अंतरराष्ट्रीय लेवल के राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रों के संबंधों को आप समझ सकते हैं, ठीक है? और अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंधों को नहीं समझ पाते, अर्थात अगर आपने ये डिफाइन नहीं कर पाया, तो आपने उसकी डेफिनेशन सही नहीं की या सही नहीं कर पाए। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है कौन? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है? और भी आपके जैसे हमने बताया है, बताया कि नहीं घटना, जैसे राष्ट्रों के बीच छिड़ी हुई प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन के अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है, ठीक है? तो ये टॉपिक था आपका अंतरराष्ट्रीय राजनीति के महत्व, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ क्या है, ये चीजें आपको बता दी गई है। ध्यान रखें आप कि जो जितने भी टॉपिक आपको बताए गए वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं या फिर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको पर डे के पर डे कम्प्लीट करते जाना, ठीक है? सभी को ये समझ में आ गया है?